ये देखिए बीम्स वगैरह आके यहाँ पे पूरे रखे गए हैं, जो कि दो पिलर के बीच में इसको रखा जाएगा। कई सारे सामान यहाँ पे पड़े हुए हैं एकदम बीचों बीच। वहाँ से रामपथ मार्ग स्टार्ट है, देखिए बड़ी बड़ी क्रेन्स और ये सारी चीज़ें खड़ी गई हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो हम आज पहुँचे हैं अयोध्या की फिर से आपको अपडेट देने के। तो आज की अपडेट होगी दोस्तों शहादतगंज बाईपास के पास जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं इसके बारे में आज की वीडियो होगी। तो डेट एंड टाइम की बात करते हैं दोस्तों, आज है 29 जुलाई और जो है सोमवार का दिन है। तो ये पीछे हमारे निर्माण कार्य हो रहा है, पहले वन वे फ्लाईओवर था, अब जो है टू वे फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कितना अभी तक निर्माण कार्य इसका हुआ है। ये देखिए दोस्तों सामने जो रोड है ये NH 27 है, और इधर से पहले क्या था रास्ता, इधर से होते हुए ये इधर से नीचे से ही मतलब ये आना जाना हुआ करता था। पहले ये बगल में से इधर ये वन वे फ्लाईओवर था, अब जो है इधर के साइड ये दूसरा वाला बनाया जा रहा है। तो इसका निर्माण कार्य आपको दिखाते हैं कितना अभी तक पहुंचा है। देख सकते हैं इधर के जो है स्टार्टिंग पॉइंट का वर्क किया जा रहा है, और यहाँ पे बैरिगेट्स वगैरह लगाया गया है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद तब इधर से ये रोड वगैरह बनने के बाद पूरा खोल दिया जाएगा। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं यहाँ फ्रंट से और आके एकदम देख रहे हैं मिट्टी किस तरीके से एकदम यहाँ पे है। देखिए यहाँ से सामने ये पूरा यहाँ पे रोड रहेगी, आगे एकदम ऐसे इसी लेवल पे जो है उठा रहेगा बिल्कुल जैसा ये साम बगल वाला है। और आगे जो है वहाँ से शहादतगंज बाईपास के नीचे से राइट साइड की ओर रामपथ मार्ग है। अभी साइड पे जो है इसको ये लगाने का काम चल रहा है, ये जो रखा हुआ है इसका इसको क्या बोलते हैं मुझे पता भी नहीं। ये देखिए कई सारा है यहाँ पे, इसको साइड में लगा के रोका जाएगा ताकि उधर की चीज़ें उधर के साइड रहे। चलिए चलते हैं बाइक से, अब आगे दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा जो है ऊंचा उठा हुआ है ये चीज़, आगे वहाँ पे पिलर्स वगैरह भी बन चुके हैं, बगैर अभी बीच वाला बीम नहीं डाला गया है। अभी देखते हैं इधर साइड क्या निर्माण कार्य हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे चार पिलर जो है यहाँ पे बने हुए हैं, बिल्कुल जैसे उधर वाले पे बना हुआ है उसी के सामने बिल्कुल ये सब भी बना हुआ है। यहीं पे थोड़ा देर रोक दो, आइए आपको थोड़ा सा इधर दिखाते हैं। ये देखिए बीम्स वगैरह आके यहाँ पे पूरे रखे गए हैं, जो कि दो पिलर के बीच में इसको रखा जाएगा। कई सारे सामान यहाँ पे पड़े हुए हैं एकदम बीचों बीच। वहाँ से रामपथ मार्ग स्टार्ट है, ये देखिए कितना लंबा लंबा बीम है ये, जो कि एक पिलर से दो पिलर के बीच में रखा जाएगा। इसकी लंबाई तो दूरी पे है, मतलब काफ़ी दूर है, इसको उधर वाले पे रखा जाएगा। इधर के साइड देख सकते हैं ये सामने, आगे काफी लंबे लंबे बड़े बड़े बीम बनाए गए हैं। ऊपर ड्रम्स वगैरह भी रखा हुआ है, देखिए ये देखिए कितने बड़े बड़े बीम बने हुए हैं, खतरनाक एकदम। ये देखिए यहाँ पे रोड, पहले इधर से एकदम गाड़ियां सरपट दौड़ती थी,
ये वाला बीम देखिए, ये सबसे बड़ा बीम है, लंबा एकदम, काफ़ी लंबा, काफ़ी दूरी तक मतलब ये है। देखिए इसके अंदर ये मोटी मोटी पाइपें भी डाली जाती है। देखिए ये इसका फर्मा है, ये इसके अंदर मटेरियल डाल के फिर इसको खोला जाता है, फिर जाके एक बीम तैयार होता है। देखिए यहाँ पे ये वाला बीम जो पीछे रखा हुआ है, इसको आपको दिखाते हैं कितना बड़ा है। इतना हैवी हैवी बीम सोचिए, हाँ कम से कम 7-8 फीट का है ये। देखिए कई सारे लोहे यहाँ पे पड़े हुए हैं, मतलब सेफ्टी में, निगरानी में है। अभी कोई देखेगा देख रेख वाला तो तुरंत चिल्लाएगा क्या कर रहे हो वहाँ पे। चलिए इधर से निकलते हैं बाहर। आप देखिए, चलिए आगे वाला भी दिखाते हैं आपको। इधर वाला आई होप आपने देखा। पूरा बैरिकेड से घेरा गया है। देखिए इस पॉइंट से लेके पूरा उस पॉइंट तक इतना लंबा बीम है। अब देखिए यहाँ तक ही रहेगा कि थोड़ा सा आगे जाके एंड होता है। एक आगे भी बनाया जा रहा है, उसको भी आपको दिखाते हैं। बिल्कुल वहाँ पे है पास में ही। ये देखिए यहाँ से है स्टार्ट, इस पॉइंट से इसका भी काम जो है काफी तेज चल रहा है। इसको भी बैरिकेड पूरा किया गया है। इसका भी ढलान का वर्क है। इस पॉइंट पे नहर पड़ती है, एक मतलब छोटा सा नाला, उसके ऊपर ये बनाया जा रहा है। यहाँ से ये अंडर पास भी रहेगा। अधिकतर गाड़ियों के शोरूम इसी साइड है, सादतगंज बाईपास, मतलब फोर व्हीलर वगैरह अगर किसी को खरीदना है तो। ये देखिए यहाँ से रास्ता है उस पर जाने के लिए। चलिए बन तो चुका है, चलते हैं अभी उस पर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए इधर से भी है, मगर इधर पूरा जो है हैवी हैवी ईंटें रखे गए हैं कि कोई आ जाना पाए। ये देखिए ये इस साइड यहाँ पे आके ये खत्म होता है, बीच में उधर के साइड लगाए थे। और साइड में ले लो, देखिए इधर की साइड देख सकते हैं। और थोड़ा चलो उधर चला जाए ऊपर, आइए चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड, वहाँ भी आपको दिखाते हैं। इधर ही से चल चलेंगे वापस, सब क्या ऊपर घूम के जाया जाए। देखिए कितना चौड़ा है, एकदम जो है फोर लेन का ये बना हुआ है। देखिए अभी बिल्कुल बन ही रहा है। देखिए बड़ी बड़ी क्रेन्स और ये सारी चीजें खड़ी गई हैं।
इधर लगा, इधर 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 साइड में। देखिए आपको इस साइड की ओर दिखाते हैं, राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, इधर से देखते हैं दिखता है कि नहीं। ये देखिए दिख रहा है, अभी चलते हैं इधर ही से वापस उधर के साइड। तो पूरा जो है देख सकते हैं ऊपर के साइड क्या स्थिति है इधर। चलो घुमा लो इधर ही से। तो चलिए चलते हैं उधर से नीचे। चलिए इधर से चलते हैं, अब इधर आ गए हैं पुल के नीचे। इधर ये कॉलेज वगैरह पढ़ता था, इसी वजह से ये कंपलसरी बनाया गया है फ्लाईओवर को इस वाले, ताकि स्टूडेंटों का आना जाना आसान हो पाए। राजकीय पॉलिटेक्निक अयोध्या 1962 में इसका वो हुआ था स्थापित। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है सब इधर ही से जा रही हैं, और रोड भी काफ़ी अच्छी नहीं है, देख सकते हैं कैसी है रोड। पहले यहाँ पे एक अंडर पास मतलब वो हुआ था फुट ओवर ब्रिज इसी पॉइंट से पूरा ऊपर से। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा, मतलब नीचे रेस्ट करने के लिए पूरा एक दिन। इधर की साइड में जो है ढलान का काम चल रहा है काफी तेज। अब यहाँ तक जो है ये रहेगा आगे इधर वाला इस पॉइंट पर। आइए चलते हैं आगे, आपको रामपथ तक दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों वापस आ गए हैं इधर से होते हुए ये शाहजहाँ बाईपास पे। यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, और यहाँ पे ये वेलकम गेट अयोध्या धाम का। पूरे कैमरास वगैरह रख चुके हैं हर जगह, इस समय चालान बहुत तेज कटता है कैमरा वगैरह से। देखिए पेड़ पौधे अब इस पे जो है सीमेंटेड वाले पे लगा दिया गया है, इससे पिछले अपडेट पे नहीं था। यहीं पे रुको और आगे थोड़ा सा, बस ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये पेड़ पौधे लगाए गए हैं इस पॉइंट पे। और यहाँ पे ये वाला भी देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पूरा लगा हुआ है। 10 साल के बाद जब अपना नया रूप लेगा तो अच्छा लगेगा काफ़ी देखने में। यहाँ पे ये बोर्ड पे दर्शाया गया है क्या चीज़ कितने दूरी पे है। तो आज के वीडियो में दोस्तों यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।